गुरुग्राम में न्यू कॉलोनी में विजयदशमी के मौके पर एक अनोखी यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि रावण दहन से ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में व्याप्त बीमारियों की दहन। ये रावण रूपी बीमारी हमारे शरीर में घुसकर हमारे जीवन को नर्क बना रही है। देश भर में एक तरफ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में न्यू कॉलोनी में कैसी यात्रा निकाली गई, जिसमें रावण रूपी शरीर में व्याप्त बीमारियों को दहन करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस यात्रा के मार्फत लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, तो वहीं बकायदा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ बीपी, शुगर बीमारी के साथ साथ अन्य कई बीमारियां आज समाज में करीब 80% लोगों को अपनी जकड़न में जकड़े हुए हैं। शरीर में व्याप्त बीमारियां सुख चैन, नींद को खत्म कर रही हैं। इसके साथ बीमारियों पर आने वाले मोटे खर्चे से सभी लोग परेशान हैं। आज इस विजयदशमी के दिन एक संदेश देने निकली है कि वो रावण, वो मेघनाथ, वो कुंभकर्ण तो श्री राम जी द्वारा हजारों साल पहले मारे जा चुके हैं। आज अगर आपको वास्तव में राक्षस मानने हैं तो वहाँ जाकर पुतले मत फूकिए। ये जो राक्षस आपके शरीर में बीपी, अनिद्रा, सिरदर्द, कमजोरी के रूप में ये राक्षस है जो हमारे शरीर में घुस करके हमें शरीर से कमजोर कर रहे हैं, हमें मन से कमजोर कर रहे हैं, हमारे धन को खा रहे हैं और अकाल ही हमें यमराज के पास पहुँचा दे रहे हैं। इनका वध करो, इनका वध होगा तीन चीजों से। एक नंबर एक पहला बाण होगा सही खान पान का, दूसरा बाण होगा सही जीवन शैली का और तीसरा बाण होगा नित्य योगाभ्यास का। और साथ में आज लोगों को ये संजीवनी बूटी हनुमान जी द्वारा बांटी जा रही है। ये 10,000 पुस्तकें आज हम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें है 50 वो होम रेमेडीज जो छोटी छोटी बीमारियों को आपको अपने किचन से ठीक कर देंगी। इस किताब को पढ़िए, अपने सिर दर्द को, अपने दस्त को, अपनी उल्टी को अपने किचन से ठीक कीजिए, आपको केमिकल मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। लोगों को जागरूक किया गया कि जिस तरह से हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जला रहे हैं, उसी तरह हर रोज हम यदि शरीर में व्याप्त बीमारियों को खत्म करने का निर्णय लें या फिर ऐसी बीमारियों को शरीर में प्रवेश ही ना करने दें, तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को मजबूती से निर्णय लेना होगा। लोगों को बीमारियों से बचने के लिए अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली और रोजाना योग करने की आदत डालनी होगी। हर एक व्यक्ति इस विजयदशमी के मौके पर इन बीमारियों को रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ के रूप में देखकर इनका वध करने की ठान ले, तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ समाज की तस्वीर देखने को मिलेगी। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।